हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसाज कुकिंग। आपने चीकू मिल्क शेक तो बहुत पिया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे चीकू मिल्क शेक और उससे बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी। रेसिपी देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम चीकू मिल्क शेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के चीकू ले लिया है। उसको हम सबसे पहले ऐसे पील कर लेंगे। सारे चीकू को मैंने पील कर लिया है। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और उसमें जो बीज आता है उसे निकाल लेंगे, और बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट आता है उससे भी हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा चीकू मिल्क शेक बहुत अच्छा और टेस्टी बन के तैयार हो। मैंने सारे चीकू को ऐसे काट लिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंड में डालेंगे। सबसे पहले हमें चीकू को ही ग्राइंड करना है, इसके बाद ही हम इसमें और चीज़ डालेंगे। देखो, बहुत अच्छे से चीकू ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैं आधा कप जितना दूध डालूँगी। इसके बाद हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके चीकू ज़्यादा मीठे ना हो तो आप इसी टाइम इसमें चीनी भी डाल सकते हो। मेरे चीकू ज़्यादा मीठे थे इसीलिए मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डाला है। देखो, अच्छे से चीकू ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लास में आइस क्यूब डाल दिया है। अब हम इसमें चीकू मिल्क शेक डालेंगे और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी मिल्क शेक बन के तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग चीकू मिल्क शेक बन के तैयार है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बनता है। चीकू मिल्क शेक तो हमने बना दिया, अब हम इसमें से आइसक्रीम बनाएंगे। अब हम इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं। यहाँ पर मैं एक ही ग्लास के मिल्क शेक से हम आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट डाले थे इसको हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा आधा ग्लास में मिल्क शेक डाल दूँगी। ऊपर से हम सिल्वर फॉइल से ऐसे पैक कर लेंगे। इसी तरह दोनों ग्लास को मैंने ऐसे पैक कर लिया है। अब हम बीच में से ऐसे कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें स्टिक रख देंगे। दोनों ग्लासों में ऐसे स्टिक लगा के इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे। 5 घंटे के बाद हम देखेंगे तो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इस ऊपर से सिल्वर फॉइल को निकालेंगे। देखो, बहुत अच्छे से आइसक्रीम सेट हो गई है। अब हम इसे हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो आसानी से देखो आइसक्रीम निकल के आ गई। बहुत ही टेस्टी है आइसक्रीम बन के तैयार होती है। आप इसे घर के भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है चीकू मिल्क शेक की आइसक्रीम बन के तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। देखो, बहुत ही टेस्टी ऐसा मिल्क केक बन गया है। उसके बाद हमने इसमें से आइसक्रीम भी बना दी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी चीकू मिल्क शेक और उसमें से बनी हुई आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।